भी ऐसी रेगुलर कैंडिडेट्स जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ और उनको मार्किंग किया गया, साथ ही साथ कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट रिपीटर कैंडिडेट्स 2021, आप सब लोग काफी हद तक परेशान हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके मार्क्स को लेकर। जो पास हो चुके हैं कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट में वो लोग भी सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स को लेकर, साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है और वो चाहते हैं इस प्रॉब्लम से निकलना, उनके रिजल्ट इंप्रूव हो जाए, मार्क्स बढ़ जाए और वो पास हो जाए, तो बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया था कि मेरे प्यारे दोस्तों 8 तारीख आपके लिए हियरिंग डेट दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कर दिया गया है आपके लिए, आप ऑन स्क्रीन भी देख सकते हैं। जितनी हो सके ये आपकी पेरेंट्स की मनी है, आपके पेरेंट्स की कोशिश है, मैं पहले आपको बता दूं, आपके पेरेंट्स ने कन्विंस किया है ममता शर्मा मैम को कि इस साल कोविड रहने के बाद भी कई सारे स्टूडेंट क्यों फेल हो रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स क्यों नहीं अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हैं। मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं आपको जल्दी जल्दी अपडेट नहीं दे पा रहा हूं, मुझे भी फीवर है बिकॉज कोविड-19 के डोजेस लेने की वजह से मेरे प्यारे दोस्तों फर्स्ट डोज। एनीवेज अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ममता शर्मा मैम ने नॉट ओनली रेगुलर कैंडिडेट्स जो पास होकर अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, इंक्लूड किया है कंपार्टमेंट प्राइवेट इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं इस साल, मतलब जहां पर सारी सुविधाएं स्टूडेंट्स को दी गई हैं कि आप रिजल्ट डिस्प्यूट अप्लाई कर लीजिए आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, आप रीचेकिंग करवा लीजिए आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ये जो बिजनेस का मैटर है सीबीएसई का, जो पैसे के लिए ये सारी चीज़ों को वो लोग कर रहे हैं, इससे इफेक्ट स्टूडेंट हुए हैं। एक तो उनका करियर बर्बाद हो चुका है बिकॉज एडमिशंस वगैरह आप ठीक से मिल नहीं रहे हैं, मार्कशीट आने में देरी है और रिजल्ट भी इम्प्रूव हुआ नहीं है, तो आपका मार्क्स कैसे इम्प्रूव होगा और इंक्रीज होगा उसके ऊपर होगी ये वीडियो। बहुत लोग आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट्स बता रहे होंगे और क्या है मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाना चाहूंगा इस छोटी सी सेकंड्स के वीडियो के बाद में। दोस्तों क्या आपको इंग्लिश बोलने में लगता है डर, तो इस डर को आप कम्प्लीटली दूर कर सकते हैं डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से, जहां पर इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा के मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी बेसिक से। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट रखते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फाटेदार आपको इंग्लिश बोलनी है, तो आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा करें। थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे दो कैटेगरी में हम बात करेंगे, 30-30 जो 40 वाला फॉर्मूला यूज हुआ था क्लास 10-12 रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए, बट स्टिल उनके मार्क्स काफी ज्यादा गड़बड़ाए थे, किसी के इंक्रीज हुए किसी के नहीं हुए, जिनके इंक्रीज होने चाहिए थे उनके इंक्रीज नहीं हुए, बहुत सारे स्टूडेंट फेल भी हो गए। और दूसरी तरफ हम देखें कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट रिपीटर कैंडिडेट्स, तो उन लोगों के साथ तो हद पार कर दिया है सीबीएसई ने बिकॉज उसमें पास ही नहीं हुए हैं स्टूडेंट्स। जिन्होंने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था उनके आरटी आ चुके हैं, तो अब वो कहाँ जाएंगे क्या करेंगे बेसिकली, बिकॉज यहाँ पे साल बचाने की बात है और साल की यहाँ पे मैटर है। तो आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं 8 तारीख को आपके लिए हियरिंग होने जा रही है, जैसा कि मैंने बताया कि आपके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों ने मिलकर ये सारी चीज़ों को मैम से डिस्कस किया है, मैम ने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं क्लियरली लिखा है, कमेंट्स हैं इंक्लूडिंग सारे मैं इंक्लूड करूंगा, कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट सबके लेकर मैटर पे वो 8 तारीख को बात करने वाली हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पे खानविलकर सर हैं जिन्होंने आपके बोर्ड एग्जाम को कैंसिल कराया था 2021, वो इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सुप्रीम कोर्ट मूव ऑन करेंगे 8 तारीख को। उस दिन कुछ नया ट्विस्ट आपके लिए आ सकता है मैं उम्मीद करता हूँ, मे बी सीबीएसई कोई फॉर्मूला या कोई रूल आपके लिए निकाले। हाल ही में तो फोटोकॉपी वेरिफिकेशन रीचेकिंग का प्रोसेस चल रहा है, बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि पिछले साल की बात कहूँ तो 3-4 नंबर से बच्चे जो फेल हुए थे रीचेकिंग अप्लाई करने के बाद वो पास हुए, और उस उम्मीद से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके 3-4-5 मार्क्स तक कम से आप फेल हो रहे हैं, 10 मार्क्स तक आपका कोई फायदा नहीं होगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा, 7 मार्क्स तक भी आपको नहीं देगी सीबीएसई। अगर वो आपको रीचेकिंग में मार्क्स देगी तो वो है आपका अराउंड 5 मार्क्स से ज़्यादा, 4 मार्क्स से ज़्यादा वो नहीं देंगे। तो आप सोच समझ के ये कदम उठाइएगा, ₹500 पर सब्जेक्ट है और बेसिकली मेरे प्यार दोस्तों कोशिश आप कर सकते हैं। तो 8 तारीख के लिए एक उम्मीद नजर आई है बच्चों के लिए, और मेरी भी आप सबके लिए दुआएं हैं ऊपर वाले से जल्द आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, कोई फॉर्मूला फिर से निकले, बच्चों के मार्क्स वगैरह इंक्रीज हो जाएं, सारे बच्चे क्लियर कर जाएं अपने एग्जाम्स। मिलते हैं अगली अपडेट में मेरे प्यार दोस्तों, थैंक यू सो मच।